दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आज राजपुरा स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटियाला से राजपुरा आ रहे फूड ग्रेन मालगाड़ी के राजपुरा स्टेशन के करीब पहुंचने पर उसके दो डिब्बे अचानक से पटरी से उतर गए। इस दौरान बिजली की हाई वोल्टेज तारें टूट गई और बिजली के लगे खंभों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस हादसे की वजह से स्टेशन से चलने वाली गाड़ियां करीब 3 घंटे तक बाधित रही। वहीं सूचना मिलने पर अंबाला से रिकवरी वैन के साथ आई इंजीनियरों की टीम ने कुछ ही मिनटों में पूरे प्रबंध को फिर से सुचारू रूप दे दिया है। दूसरी ओर इस हादसे के संबंध में बातचीत करते हुए DRM दिनेश कुमार ने बताया कि फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है कि डिब्बे पटरी से कैसे उतरे। करीब 3 बजे शुरू हुआ, इसमें दो वैगन इन्वॉल्व हैं। एक वैगन का एक ट्रॉली जो होती है बोगी जो के बोलते हैं वो डिरेल हुई थी और एक वैगन पूरा डिरेल हुआ था, दोनों उसकी ट्रॉलीज। और ये रिस्टोर पहली गाड़ी जो हमारी मेल लाइन से चली गई वो 6:10 पर चली गई, तो करीब करीब आप कह सकते हैं 3 घंटे के लिए ये जो पटियाला साइड वाला जो ट्रैफिक है वो बाधित रहा। ये कौन सी गाड़ी थी, कहाँ से आ रही है? ये गाड़ी जो है पटियाला में लोड हुई थी, लोडेड फूड ग्रेन है और ये आगे सहारनपुर साइड में जाना था। सर ये इसका कोई कारण का पता चला होगा? अभी पता करेंगे, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के बाद में पता लगेगा। अभी कोई पिन पॉइंटेड नहीं पता लगा है किसकी जिम्मेवारी है।